हेलो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वो है सतवीर चीमा जी का, जहां पर उनकी फाइल के साथ एक प्रॉब्लम हो गई है। जब उनके कंसल्टेंट उनकी फाइल लॉज कर रहे थे तो उनके पास किसी अनदर एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट थे जो उन्होंने अपलोड कर दिए सतवीर की फाइल में। तो जहां पर IRCC की तरफ से उनको मेल आता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स किसी अनदर एप्लीकेंट के हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। तो पहले क्वेश्चन लेंगे, मगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि जहां पर बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी इशू रहते हैं, उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। आई अप्लाइड एट 7th October फॉर स्टूडेंट वीजा एंड आई गॉट मेल ऑन 25th November, यानी कि 18-20 दिन के बाद IRCC ने मेल की, वेयर दे टोल्ड दैट आई मिस्टेकली यूज सम डॉक्यूमेंट्स ऑफ अदर पर्सन विच वॉज माई एजेंट फॉल्ट, देन आई सेंड माई ओरिजिनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद वेरिफिकेशन एंड माई मेडिकल अपडेटेड 12th January, बट नाउ आई हैव रिसीव्ड एनी मेल और रिजल्ट, प्लीज हेल्प मी सर, वेन विल आई गॉट माई डिसीजन। देखिए, ये कॉमन चीज तो मैं नहीं कहूँगा कि इतनी कॉमन है, मगर जो कंसल्टेंट के थ्रू फाइल जाती है वहाँ पर काफ़ी ऐसे चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए जो हमारे काम करने का तरीका है, मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी कोई बच्चे की फाइल हम लॉन्च करते हैं तो जितने भी PDF बनते हैं, चाहे उसका पासपोर्ट का है, चाहे उसका डिजिटल फोटो है, चाहे कुछ भी है, उसको रीनेम कर जितने उसके फॉर्म होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, उसका फैमिली फॉर्म हो गया, सब कुछ बच्चे की मेल पर जाता है, बच्चा उसको चेक करता है। SOP पे हम 2-3 दिन लगाते हैं। हमारे जो कंटेंट राइटर हैं वो बच्चे से बात करते हैं, बच्चे के जितने डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं वो मंगवा कर उसके अकॉर्डिंग वो SOP मेंटेन करते हैं, क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम उस बच्चे को SOP भी शेयर करते हैं। 2-3 दिन में जो भी करेक्शन करवानी है SOP में, उसको कराने के बाद जब बच्चा अक्नॉलेज करता है कि मैंने हर चीज़ चेक कर ली है, एक एक PDF चेक हो चुका है, उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट है, क्या वो रीनेम सही हुआ है, उसके बाद जितने भी फॉर्म है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई डेट तो रॉन्ग नहीं होगी, कोई पेमेंट तो गलत नहीं है, हर एक चीज़ उसके चेक करने के बाद, बच्चे के एक्नॉलेज करने के बाद आपकी फाइल लॉज होती है। मैं सभी कंसल्टेंट को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी गलती से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने आपसे डिमांड कर लिया, अदरवाइज आपको डायरेक्ट रिफ्यूज़ल भी दे सकते थे। अगर आपने अपडेट किए हैं उसमें आपने कहा है कि मेरी जो फाइल है वो मैंने खुद लगाई है, मगर आप खुद की फाइल में किसी अनदर डॉक्यूमेंट पर्सन के डॉक्यूमेंट जो आपके रिलेशन में नहीं है उसके डॉक्यूमेंट कैसे लगाएंगे, तो जहां से ये चीज़ भी हो सकती है कि आपने जो अपनी फाइल है वो किसी से लगवाई है, किसी कंसल्टेंट या एजेंट से, मगर उसको आपने मेंशन नहीं किया, इसके बेसिस पे भी बच्चों को बैन मिलता है। आप लकी हैं, आप वेट करिए, डॉक्यूमेंट आपने सेंड कर दिए हैं, अपडेट हो चुके हैं, आने वाले दिनों में जल्दी ही आपको रिजल्ट आ सकता है, मगर इस केस में थोड़ा रिजल्ट डिले होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। जब एक बार फाइल प्रोसेसिंग में आती है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अदरवाइज ये आपका रिजल्ट आपको 25 नवंबर को ही मिल जाता, मगर अभी क्या है कि अभी वो दोबारा डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, वो अपडेट होंगे, फिर उसके बाद दोबारा से आपकी फाइल प्रोसेसिंग में आएगी, तो थोड़ा समय लग सकता है, वेट कर लीजिए। मगर मैं सभी बच्चों को कहूँगा फाइल लॉन्च करने से पहले आप अपनी फाइल के सभी PDFs और सभी फॉर्म और स्पेशली SOP पे जरूर फोकस करिए, खुद चेक कर लीजिए, उसके बाद ही फाइल को लॉन्च करने दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको आपके क्वेश्चन का आंसर और बच्चों को इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी नॉलेज मिली होगी कि कैसे उन्होंने फाइल लॉन्च करनी है। इस वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। थैंक यू सो मच।